खरगोन जिले के बिष्टान में लौह जिहाद की घटना के विरोध में आज सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बिष्टान नगर बंद रहा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी कर दी। मौके पर एसडीएम एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। इधर पुलिस ने आरोपी अक्रम को गिरफ्तार कर महिला को भी बरामद कर लिया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ओम नारायण सिंह बड़कुल ने बाजार खुलवा दिया है। बिष्टान बंद कर लौह जिहाद का आरोप लगाने वाले बिष्टान के लोगों का कहना था कि आरोपी अक्रम पठान पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे के बाद प्रशासन की अपील पर बाजार खुलना शुरू हो गया था। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सारे व्यापारियों ने अपनी इच्छा से दुकानें बंद रखी है और ये जो लौह जिहाद का मामला बिष्टान में जो आया है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और अपराधी पर कठोर कार्रवाई हो इसी के लिए बंद बुलाया है। किस तरह की मांगे हैं और आप? बस यही मांगे कि अपराधी पर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर कार्रवाई हो और आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। क्या नाम लिखते हैं? राजेश मालविया, भाजपा मीडिया प्रवक्ता। बुलाया है बिष्टान में और सारी दुकानें भी बंद रखी है, क्या कहना चाहेंगे? यह लौह जिहाद के विरोध में बंद सकल हिंदू समाज द्वारा बुलाया गया है। एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक हिंदू लड़की को नौकरी के झांसा देकर उसका अपहरण कर उसे ले गए, इसलिए सकल हिंदू समाज के द्वारा आज बंद बुलाया गया है। हमारी मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? नारायण राठौड़, सकल हिंदू समाज। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आरोपी की मांग और बुलडोजर चलाने के लेकर आज बिष्टान बंद किया गया? जो अपनी 30 वर्षीय महिला थी प्रियंका राठौर, वो उसकी गुमशुदगी बिष्टान थाने में कायम की गई थी, जिसके बाद उसको दस्तियाब कर लिया गया है। आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसके संदर्भ में। उसको हैला पड़ावा के पास मलगांव कोठा से गिरफ्तार किया। सर आरोप लगाए जा रहे हैं लौह जिहाद के, अब जो भी महिला बयान देगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर आरोपी? आरोपी का नाम अनबर है। सर यही कहना है हमारा कि पर्टिकुलर जिस भी आदमी ने यह विवाद पैदा किया है, जिस भी आदमी ने यह घटना घटित करी है, हम लोग उसका समर्थन नहीं करते, ना हमारा समाज करता, और आगे भी ऐसे लोग जो भी रहेंगे जिस भी समाज में, उसका हमारा समाज किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं करता। आप उसको फांसी पे लटका दो, उसका जो भी लॉ है, जो भी कानून है, जो भी धाराएं हैं, आप उसके ऊपर लगाओ और आप जैसे भी सजा देना चाहते हो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी जो है जितनी भी जो ज़रूरतें रहेगी हम लोग पूरी करेंगे। हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और जो है आप हमसे यही निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी तरह की पर्टिकुलर घटना होती है तो इस मोहल्ले को टारगेट नहीं बनाया जाए। पर्टिकुलर जिसने जो करा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। या जिस तरीके की हरकत हुई है आज वहाँ पर, जिसका घर तोड़ा गया है, उसने घटना घटित करी थी, उसका घर तोड़ दिया आप लोगों ने, यहाँ आके पत्थर चलाने से क्या साबित कर रहा हो आप? पथराव किया है यहाँ पे, उसके घर में तोड़ फोड़ करी है, उसके बावजूद यहाँ पे आके माहौल बना के और यहाँ पे भी वो करते। अगर हम लोग घरों के अंदर हो जाते तो यहाँ पे भी तोड़ फोड़ हो जाती, पर हमने हिम्मत दिखा के हम लोग खड़े रहे, इस कारण से उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंक के उसी पर चले गए। अगर हम लोग भी घरों के अंदर रहते तो हमारे घरों में भी लूटापाट और पत्थरबाजी हो जाती। क्या नाम लिखते हैं? अरशद खान लिखता हूँ सर मैं। सर ये बिष्टान में एक लौह जिहाद का आरोप लगा था, उसके बाद आज बिष्टान बंद रखा गया था, आप मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल भी तैनात है, बताया जा रहा है कि आरोपी क्या अभी कुछ तोड़फोड़ हुई, क्या मामला है सर? नहीं, अभी तुरंत एसपी साहब कलेक्टर साहब के द्वारा सूचना मिली थी कि थोड़ा बिष्टान में कुछ बंद का आह्वान किया गया था, स्थिति थोड़ी सी माहौल गर्म हुई थी और हम तुरंत पर्याप्त मात्रा में एसडीओपी, एडिशनल एसपी, मैं और पूरे बल प्रशासनिक अमला आ गया है और यहाँ पर बंद था तो हम लोग तुरंत यहाँ पर सर्चिंग की गई है। विश्वास के लिए हम लोग पैदल अभी मार्च भी किया गया है, जिस जगह पर हमको कुछ जगह पे, एक आध जगह पे कुछ थोड़ा बहुत एक टीवी था उसका कुछ टूटा हुआ भाग मिला है, लेकिन ऐसी कोई गतिविधि वैसी नहीं थी जिसमें दिक्कत हो, बाध्यकारी हो। अब क्या स्थिति है सर? अब स्थिति सामान्य है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरा मार्केट खुलने लगा है, धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधि सामान्य हो गई है। यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, पुलिस, प्रशासनिक अमला मौजूद है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता, सारे पार्षदगण, व्यापारी संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे एसडीओपी साहब, दोनों एडिशनल एसपी साहब,
पुलिस बल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सारे लोग हैं, पत्रकारगण आप सब हैं ही देख रहे हैं, तो गतिविधि अब सामान्य है। व्यापारी तो सामान्यतः आम जनता को सुविधाएं देता है, व्यापारी तो बहुत सॉफ्ट होता है और वो खुद चाह रहा है कि आम जनता को दिक्कत ना हो, तो देखिए आप दुकानें खोल रहे हैं, ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। नहीं, अभी ऐसी बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है, अगर कोई भी अगर बातें आती हैं तो कलेक्टर साहब एसपी साहब को बता के विधि अनुसार वो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो भी नियम में होगा। बिल्कुल, आरोपी की तुरंत 3 घंटे के अंदर एसपी महोदय ने गिरफ्तारी कर ली गई है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। महिला भी बरामद हो गई? हाँ, क्यों नहीं, वो भी महिला भी है, सभी चीज़ें हो गई हैं, एसपी साहब ने कल आके सभी से बात करी है, एसडीओपी साहब अभी साथ में है और सभी चीज़ें सर्वेल ऑन में है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।